स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। IMA कंपनी के मालिक मंसूर खान का पुलिस कमिश्नर अलोक कुमार को संदेश, वीडियो वायरल। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में स्थित IMA कंपनी के मालिक के फरार होने पर बवाल मचा था। अब मंसूर खान ने अपना दूसरा वीडियो वायरल करके वापिस लौटने की बात कही है। कंपनी में रुपया लगाने वालों को कंपनी की जायदाद बेच कर रुपया लौटाने की बात कही। उसी तरह कंपनी को बर्बाद करके उसको बदनाम करने वालों से जान की अमान मांगी है मंसूर खान ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा हमारे एक्स मेंबर ऑफ राज्यसभा के रहमान खान और मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ जो कांग्रेस के वर्कर हैं, मोहम्मद खालिक अहमद जो पासबान के एडिटर हैं, मुख्तियार अहमद टाडा जो एक टेररिस्ट ग्रुप से लिंक रखते हैं, फैरोज़ अब्दुल्ला सेठ जो फैरोज़ रियल एस्टेट से हैं, प्रेस्टीज ग्रुप के इरफान, MLC सरवनन जो JDS के हैं और उनके साथ ज्वेलरी एसोसिएशन, रहबर फाइनेंस और तासीस ग्रुप, जैद चिट फंड्स जो सैफ चलाता है, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी, मुफ्ती शमशुद्दीन बिजली, मौलवी ज़ैनुल्लाबिदीन और वो सारे सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ करने वाले या उनको कह सकते हैं कि जो सेटलमेंट सर्विस करते हैं फाइनेंशियल्स को लेके, लोगों के बीच में सेटलमेंट करके पौना पैसा खा जाते हैं, उन लोगों की जो सोशल सर्विस है। और सबसे अहम रोल जिसने निभाया है वो है सारे सोशल मीडिया के हेट स्प्रेडिंग एलिमेंट्स, बहुत सारे सोशल मीडिया, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ब्लॉगर हो, पता नहीं और क्या क्या है, टेलीग्राम हो, जिसके ज़रिए से जो रूमर्स फैला के जो नुकसान पहुंचाने की IMA को उनको कामयाबी मिली है और इन सारे बंदों को जो है IMA को ख़त्म करने में जो उनको कामयाबी मिली है, पिछले 12 साल की आपकी मेहनत मुकम्मल हुई, आप सबको मुबारक हो। अल्लाह देख रहा है और हर किसी को अपने अपने अमाल के हिसाब से इंशाल्लाह उसका फ़ैसला अमीन है और उसका फ़ैसला जो है हमेशा सही रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। अनकरीब उसका फ़ैसला आप पर भी नाजिल होगा इंशाल्लाह, अमीन। और इससे पहले मैंने एक ऑडियो रिलीज़ की थी जो मेरी पहली ऑडियो थी जो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब को मैंने फॉरवर्ड की थी और जिसमें मैंने कुछ चीज़ों का खुलासा किया था, क्योंकि मुझे चंद चीज़ों को वाज़े करना था कि किन हालात में मैं वहाँ से अपने आप को बचाते हुए और मेरी फैमिली को बचाते हुए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। बहरहाल आज इस वीडियो को रिलीज़ करने का मकसद ये है कि मैं 14 जून 2019 को जो है एयरपोर्ट गया था हिंदुस्तान वापस आने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है मुझे ऑफ बोर्ड कर दिया गया ये कहते हुए कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते और आपकी टिकट जो है ऑफ बोर्ड कर दी गई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे मेरी सरज़मीन को छोड़ना ही एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मेरे अपनों ने ही जो गद्दारी की मुझसे, जो विद इन द मैनेजमेंट थे और जो मेरे सराउंडिंग थे और सबसे करीबी पॉलिटिशियंस वगैरह जो थे वो मेरी जान पे आ गए थे और मुझे वहाँ से मेरी फैमिली को अलग करके छुपाना पड़ा और यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं हुआ, सब कुछ जो भी हुआ जल्दबाजी में हुआ और कोई सही रहनुमाई करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से जो है मुझे वो सरज़मीन छोड़ना पड़ा। लेकिन अब मेरा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अल्हम्दुलिल्लाह
सही है और मैं अब वापस आना चाह रहा हूँ। 14 जून को मैंने कोशिश की थी बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑफ प्लेन कर दिया गया और मुझे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन जब मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट गया तो वहाँ पर जुमा की वजह से कोई वहाँ पे नहीं थे, तो मुझे वहाँ से लौटना पड़ा। और आलोक कुमार सर, प्लीज़ मेरा वही नंबर है जो इंडिया में था, 9902129090, प्लीज़ मुझे आप डिटेल्स SMS कीजिए। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हक का फ़ैसला करेंगे। अल्लाह ने आपको एक आला मकाम दिया है पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए। मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह उसी के लिए वापस आ रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। मैं ख़ुद भी आके जो है जो भी सच है वो मैं आपकी टीम के आगे रख दूँगा इंशाल्लाह। बाकी जो भी लॉ अपना काम करेगी उसके हिसाब से हम इसकी कार्रवाई को पूरा, मेरा साथ रहेगा इंशाल्लाह। और हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट मैं आप लोगों के आगे रख दूँगा कि तकरीबन 21,000 फैमिलीज़ को IMA 12-13 साल से लगभग आमदनी इनकम देता आ रहा है, और तकरीबन 18,000 बच्चों का एजुकेशन फैसिलिटी ऑल इंडिया करता आ रहा है, और तकरीबन 7,300 घरों को जो है राशन मुहैया करता आ रहा है तकरीबन 13 सालों से। और बस अफसोस की बात यह है कि जब इतने हज़ारों ख़ानदानों को हम देखते आ रहे थे, इतने हज़ारे ख़ानदान मिलके जो है मेरे एक बंदे का ख्याल नहीं रख सके वो लोग। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि अब तक IMA ने 12,000 करोड़ प्रॉफिट पिछले 13 सालों में इन वेरियस एंटिटीज़, जब से 2006 से हमने जब शुरू किया 2019 तक 12,000 करोड़ रुपीज़ वर्थ प्रॉफिट हमने इन्वेस्टर्स को या जो भी इन्वेस्ट किए हुए थे उनको हमने पे किया है, और तकरीबन 2,000 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी कर चुके हैं उसके अंदर। और अब और उससे क्या कह सकते हैं, अब जो भी हमारे पास एसेट्स बचे हुए हैं वर्थ अबाउट 1,350 करोड़, वो भी इंशाल्लाह हम उसको लिक्विडेट करके जो भी लोगों का पैसा देना है हम इंशाल्लाह वो भी वापस कर देंगे। जैसे कि मैंने पिछले ऑडियो में कहा था, मैंने एक ही ऑडियो रिलीज़ की थी, उसके बाद ये मेरी पहली वीडियो है, और इसके पीछे एक ही वजह है कि 99% लोग मेरे ख़िलाफ़ झूठे अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन उन 99% में से 1% ऐसे हैं जो मुझे इनक्रेज कर रहे हैं। आई वॉज़ नेवर रनिंग अ पॉन्जी स्कीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनफ विद यू। ठीक है, एक पॉन्जी स्कीम होती है तो एक उसकी लिमिट होती है, इट वॉज़ अ ट्रू बिज़नेस, और ये बिज़नेस के कोलैप्स के पीछे कौन है या करप्शन क्या है, सेंट्रल लेवल करप्शन, स्टेट लेवल करप्शन, जिसने मुझे बैंकरप्ट करने की कोशिश की, एंड दे वर सक्सेसफुल विथ वेरियस मेथड्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, उसकी सारी लिस्ट, किस किस के एक्टिविटीज़, किसने एक्सटॉर्शन किए, किसने हैरेसमेंट करके पैसे निकाले हैं, वो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह जब मैं डिपार्टमेंट के आगे आऊँगा, जब मैं जुडिशरी के आगे आऊँगा, तो मैं इन सारे नामों को आगे रखूँगा, और मुझे यकीन है कि ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जो नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। कंपनी सिर्फ एक छोटे पैमाने पे नहीं चल रही थी, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और अगर इनका नाम मैं अभी ले लूँगा तो समझ लीजिए जो मेरी फैमिली इंडिया में छुपी हुई है उनको वो लोग ढूंढ के ख़त्म कर देंगे। और जाहिर सी बात है मैं भी वहाँ पे जैसे पहुँचूँगा वो लोग मुझे जो है ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग कर चुके होंगे, मेरा मुंह बंद करने की सारी प्लानिंग हो चुकी होगी। तो
बस, लेकिन मैं अपने आप के लिए नहीं आ रहा हूँ। पिछली ऑडियो में मैंने कहा था कि अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। हाँ, वो एक बहुत ही एक डीमोटिवेटेड स्टेटमेंट था मेरा, लेकिन मुझे मालूम है अगर मरना ही है तो मैं अपने आप को क्यों ख़त्म करूं जब लोग मुझे ख़त्म करने के लिए वहां तैयार बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है कस्टडी में भी मुझे मार सकते हैं, या कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद मुझे मार सकते हैं, या अगर मैं वहां से भी बेल लेके निकलूं तो मुझे रोड पे मार सकते हैं। सो देर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट इट, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है नामों की, जो हकीकत है, इट्स नॉट अ फैब्रिकेटेड। देखिए, अगर आप किसी को ब्लैक मनी देते हैं तो उसकी ना रिकॉर्डिंग होती है ना रिसिप्ट होती है, ठीक है ना। तो बट अब सिचुएशन ऐसा है, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, दिस मनी हैज़ टू बी गिवन बैक टू द पब्लिक। अगर मैं अकाउंटेबल हूँ तो वो सारे लोग अकाउंटेबल हैं जो मुझे और कंपनी को यहाँ तक ला के पहुँचाने में कामयाब होके अभी एस्केप हो गए हैं। अभी हमारे पास नॉन वर्बल एसेट्स हैं, जैसे कि अपना प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, विच इज़ इंटैक्ट, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 500 crores। जब मैं वहाँ से निकला था, तकरीबन 120 kgs ऑफ सॉलिड ज्वेलरी वॉज अवेलेबल, गोल्ड ज्वेलरी, एंड 600 kgs ऑफ बुलियन वॉज देयर। बट मुझे पता चला है कि फ्राइडे नाइट को वहाँ से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। मुझे मेरे कुछ डायरेक्टर्स के ऊपर और मेरे कुछ भाइयों के ऊपर डाउट है, और चंद कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई हैं कि निज़ामुद्दीन जो वन ऑफ़ द डायरेक्टर है, मोहम्मद वसीम जो मेरा कज़न है और वन ऑफ़ द डायरेक्टर है, और खालिद अहमद जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और उनका बेटा फहद अहमद, इन लोगों ने मिलके जो है वहाँ से वॉल्ट ओपन करके, क्योंकि वॉल्ट की चाबी निज़ाम और कुछ वॉल्ट में जो काम करते हैं उन लोगों की कस्टडी में रहती है, और इसके अंदर नवीद अहमद भी इन्वॉल्व है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इसने घपला किया हुआ है। इसकी भनक मुझे तकरीबन 3 महीने पहले लग चुकी थी। मैं इनके ऊपर एक्शन लेना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई बेल आउट। हाँ, वो बेल आउट का जो आपने सुना है, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। एक NBFC है जो कम्प्लीटली IMA को फंड करने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन एक IAS ऑफिसर जिसको मैं 10 करोड़ रुपए पहुंचाने में देरी कर दिया, जिसकी वजह से उसने हमें लेटर नहीं दिया। वो सारी चीज़ें मैं जुडिशरी के आगे इंशाल्लाह रख दूँगा। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इंशाल्लाह आऊँगा। मुझे आलोक कुमार सर, आप हेल्प कीजिए, मुझे डिटेल्स दीजिए, मुझे किससे जाके मिलना है, सो दैट आई कैन बुक माय टिकट, गो एंड मीट द पर्सन एंड कम बैक टू इंडिया एंड रिपोर्ट टू यू इमीडिएटली। इंशाल्लाह आई विल कम बैक विद ऑल द डिटेल्स। अथॉरिटीज़ को जो भी मैं मुझे डिटेल्स देना है वो सारी डिटेल्स हम देंगे, और मुझे अथॉरिटीज़ से यही उम्मीद है कि प्लीज़ उन लोगों को भी अकाउंटेबल बनाइए। जस्ट बिकॉज़ समबडी सेज़ के भाई 400 करोड़ क्या मजाक है, सो देन दैट मीन्स द मीडिया जस्ट वॉशेज अवे एंड देर इज़ नो प्रूफ। बट ऐसा कुछ नहीं है, थिंग्स हैव टू बी अकाउंटेबल। इवन आई वुड इंक्वायर, रिक्वेस्ट फॉर CBI इंक्वायरी इन टू दिस। आई डोंट माइंड बींग किल्ड और बींग टर्म जेल, बिकॉज देखिए, जिन लोगों को मैंने 12-13 साल मैंने उनके लिए एक रोज़ी का ज़रिया अल्लाह ने मुझे बनाया था, लेकिन उन लोगों से जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मुझे सिर्फ 2 महीने दीजिए और मैं बिज़नेस को री एस्टैब्लिश कर दूंगा, दे डिड नॉट डू इट, दे डिड नॉट बिलीव मी। उन्होंने बिलीव किसको किया? ये ऑनलाइन रूमर्स को। अब देखिए नतीजा क्या है, क्या वो ऑनलाइन रूमर्स हो या न्यूज़पेपर में गलत छापने वाले हो, ये व्हाट्सएप के सर्कुलेशंस हो, क्या वो लोग इनको ये पैसा अभी दे सकेंगे? एब्सोल्युटली नहीं। अभी सिर्फ वो लोग इनके रहनुमा बन के सेटलमेंट्स के लिए आ रहे हैं, और मुझे ये भी बताया गया था कि 5 लोगों का इंतकाल हो गया है इन दिनों में। लेकिन मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, पिछले 13 साल में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों का IMA के जो इन्वेस्टर्स थे उनका इंतकाल हुआ है पैसे लेते लेते। तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है कि IMA ने लेके गया और उनका इंतकाल हो गया, ये बेकार बात है, एक सेंटिमेंटल पॉइंट वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा लोग जो हैं, जब IMA वेल एस्टैब्लिश और ठीक ठाक पैसे ले रहे थे, तभी भी लोगों का इंतकाल हुआ है। सो प्लीज़ डोंट ब्लेम
about their tragedies on us because we are already going through a lot. Agar aap hamara aap hum logon ko girane mein kamyab ho gaye, you won the battle, congratulations, but you cannot build another IMA, to be very honest with you. ठीक है, IMA और कोई भी बिज़नेस जो है वन या अलीफ की तरह स्ट्रेट नहीं होता है. ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द बिज़नेस. यू नीड टू डू लॉट ऑफ रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ इन एवरी बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटसो एवर इट इज़. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू शो टू द authorities, you show to the authorities, and what you don't, you don't. And every businessman know about it, whether irrespective of whether he has been born by a from the cook of from the stomach of a prophet also. So in business nothing is predictable. There are a lot of unpredictability. We need to ensure that there are ups and downs. Theek hai, and how ye downfall aap logo ne create kiya rumors ki wajah se. Jo IMA ka downfall shuru hua ye October se hi shuru ho gaya tha, lekin humne aapko रियलाइज होने नहीं दिया. ठीक है, ये रूमर्स की वजह से तकरीबन हमें 350 से 400 करोड़ का लॉस भी उठाना पड़ा, जो हमने आपको भनक भी लगने नहीं दी. बस एक महीना क्या प्रॉफिट देरी से गया, एक महीना क्या प्रॉफिट कम गया. आप लोग रौडियों के साथ ऑफिस में आना शुरू हो गए, धमकियां देना शुरू हो गए, मेरा स्टाफ मटीरियल चुराना शुरू हो गया. बस थिंग्स वेंट सो हेवे दैट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. मुझे अपनी आप को बचाना था और मेरी फैमिली को बचाना था. मेरी फैमिली कहाँ है मुझे नहीं मालूम, किस पोजीशन में है वो लोग मुझे नहीं मालूम. आई हैव माई 87-year-old ग्रैंड मदर, माई 65-year-old मदर, एंड देर आर गर्ल्स इन द फैमिली. आई डोंट नो वे दे आर, हाउ दे आर ऑल इनोसेंट पीपल. माई किड्स, आई डोंट नो वे दे आर, ऑल इनोसेंट. But I thank you, you all, for not supporting me and bringing IMA to this level. But I don't mind whether you support me or not. I heard one in one of the video, Zameer Bhai told that you come down, we are here to support you. That is what it is. I heard Mujahid telling that, but these people can't support me, they can't help me. I know that the fact is different. And जो 20-25 हज़ार जिनका रोज़ी रोटी चल रही थी, आई डोंट थिंक सो दोज पीपल विल स्टैंड फॉर मी. बस मुझे क्या करना है, देर आर अ लिस्ट ऑफ नेम्स जिनके पास आपका पैसा है. अगर आप अपने पैसे को लड़के निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, तो ले लीजिए. बिकॉज मैं यहाँ रहूँ तो मुझे यहाँ पर भी वो लोग हंट करेंगे और मुझे यहाँ पर भी वो ख़त्म कर देंगे, और मैं वहाँ आऊँ तो वहाँ पर भी मुझे ख़त्म करने में कोई आसानी नहीं रहेगी. लेकिन वो मुझे ख़त्म करने से पहले मैं सारे एविडेंस अथॉरिटीज़ को दे दूँगा. अब वो पैसा आप कैसे निकालेंगे, अपने आप से लड़के निकालेंगे या डिपार्टमेंट से आप फाइट करके निकालेंगे, या जे और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ये नाम रिलीज़ करूंगा, ये सारे नाम रिलीज़ करूंगा, सारे मीडिया जो हैं ये IMA की स्टोरी ही क्लोज कर देंगे. दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. बहरहाल बाकी अल्लाह सुबहान व तआला के हाथ में है. मैं अभी सिर्फ अलोक सर से, अलोक कुमार सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मेरे 9902129090 पे आप SMS कर दीजिए, मुझे किससे कहाँ मिलना है. मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए ताकि मैं मेंटली आई गेट स्टेबल एंड आई गो देयर विद द टिकट्स. मुझे बताइए, भी बता दीजिए कि टिकट ख़रीदना है या नहीं, या किससे मुझे कॉन्टैक्ट करना है, सो दैट आई कैन गो देयर, आई कैन मीट देम एंड ट्राई टू कम टू बैंगलोर एज क्विकली एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच सर, एंड बस दुआ कीजिए, अल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं.